डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी आयुष सोसाइटी और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद चिकित्सा की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस गोष्ठी कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय पाठक जी, डॉक्टर वंदना पाठक जी, वैद्य वालेंदु प्रताप जी और यहाँ पर आयुर्वेद जगत के पुरोधा जो कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हैं, उन सभी का अभिवादन करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आयुर्वेद है, जितना इसकी रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, इतना कभी भी इतिहास में आयुर्वेद प्रासंगिक नहीं रहा है। COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है तो हमारे पास कोई भी मॉडर्न मेडिसिन में स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है। तो इस स्थिति में पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं, आयुर्वेद की जो हर्बल ड्रग्स हैं, कॉन्कॉक्शंस हैं, काढ़े हैं, उनका प्रयोग कर रहा है। क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या जापान, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस दृष्टि से आयुर्वेद इतना प्रासंगिक कभी भी इतिहास में नहीं रहा है। और इस दृष्टि से मैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भी आयुर्वेद पर किए जाए कार्यों के बारे में संक्षेप में बताते हुए मैं आयुर्वेद के हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना और सार्थक योगदान कैसे दे सकते हैं हमारे साथ मिल करके, एलोपैथी चिकित्सा के साथ मिल करके। इसको मैं संक्षेप में बात करने जा रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि आयुष मंत्रालय का जो आयुष 64 एक ड्रग है, वो कॉम्बिनेशन है चार दवाओं का, उसको आयुष मंत्रालय के निर्देश में देश के तमाम वरिष्ठ चिकित्सा संस्थानों में उस पर शोध कार्य किया जा रहा है। उसमें किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय भी भाग ले रहा है। ये एड ऑन ट्रीटमेंट है जिसमें एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट के साथ में आयुष 64 भी मरीजों को दिया जाएगा और उनकी एंटीवायरल क्लियरेंस और साथ में कितनी जल्दी वो ठीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओनली स्टैंडर्ड केयर ट्रीटमेंट से, इसको देखा जा रहा है। दूसरा, च्यवनप्राश जो हमारी सदियों से एक औषधि रही है, जो इम्यून इन्हांसर के रूप में है, स्वास्थ्य वर्धक के रूप में है, हेल्थ प्रोमोटर के रूप में है और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के रूप में है, इसका भी सही वर्तमान अभी स्थिति के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो पा गया है वर्तमान शोध के आधार पर। और इसको भी कोविड के मरीजों पर आयुष मंत्रालय के निर्देश में एक शोध कार्य किया जा रहा है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इन दोनों शोध कार्यों में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान शामिल हैं। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सबको ये ज्ञात है सदियों से कि विटामिन सी वायरल इन्फेक्शन में हेल्प करता है और इसी को ध्यान में रख करके संभवतः नींबू का गुनगुने पानी में प्रयोग करना, मौसमी संतरे के जूस का प्रयोग करना, क्योंकि विटामिन सी वायरल इन्फेक्शन की गति को कम कर देता है, रिकवरी फास्ट कर देता है। ये वैसा फ्लू में, इन्फ्लुएंजा में, अन्य वायरल फीवर्स में देखा गया है और इसके सार्थक परिणाम कोविड में भी देखे जा रहे हैं। दूसरा, ये जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं इसकी छाल की जो अंदरूनी सफ़ेद गूदा है उसमें हिस्पिरिडिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। ये हिस्पिरिडिन उसके रस में भी पाया जाता है, नींबू और संतरे के रस में भी पाया जाता है। तो इस हिस्पिरिडिन पे भी एक शोध कार्य किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और CDRI के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और ये भी इसके प्रारंभिक लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो बहुत ही सार्थक हैं। हिस्पिरिडिन अन्य कई बीमारियों में प्रयोग होती है लेकिन वायरल इन्फेक्शन में उसका पहली बार शोध कार्य हो रहा है और लैब में उसको काफ़ी सार्थक रूप से पाया गया है। अन्य जो हर्बल दवाइयाँ हैं आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जैसे कि गिलोय की बात की जाए तो गिलोय इम्यून इन्हांसर है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस को करता है और इस दशा में इसका प्रयोग भी काढ़े के रूप में करने के लिए, साथ में अदरक लहसुन और काली मिर्च का कूच करके उसका प्रयोग करना, क्योंकि ये तीनों पदार्थ, लहसुन, काली मिर्च और अदरक, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं।
एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है हल्दी में, उसमें क्यूर्कुमिन बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, इम्यून मॉड्यूलेटर है। हल्दी के साथ अगर चौथाई मात्रा में काली मिर्च का प्रयोग किया जाए तो ये भी इसमें वायरल इन्फेक्शंस में और कोविड में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करने के लिए आयुष मंत्रालय भी निर्देशित कर रहा है और समाज में भी सबको ज्ञात है उनके प्रयोग को। जो वर्तमान में आवश्यकता है हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों को, ये हमें ज्ञात है कि आंवला जो त्रिफला का एक महत्वपूर्ण अंश है, आंवले में एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज और इम्यून इन्हांसर के रूप में बहुत ज़्यादा सार्थक इसकी उपयोगिता है। आंवले के बारे में शोध करने की आवश्यकता है। आंवला बहुत हितकारी है और ख़ास तौर से त्रिफला के तीनों पदार्थों को, आंवला, हर्रा, बहेड़ा को मिला करके भी प्रयोग के, इस पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई शोध कार्य हो रहा है। और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय हमने सोचा आज के लिए बहुत ही सार्थक है, हमारी आयुर्वेद पद्धति में हमारे जो पुरोधा हैं कश्यप संहिता में, महर्षि कश्यप ने एक वैक्सीन की बात की है और वो स्वर्ण प्राशन की वैक्सीन है जो बच्चे, बूढ़े, जवान सब में बीमारियों से बचाने की क्षमता रखता है। हजारों साल हमारे देश में प्रयोग होता रहा, लेकिन वर्तमान में कुछ सदियों से इसका प्रयोग कम हो गया था। पुनः बच्चों में तो इसका प्रयोग किया जा रहा है उनमें इन्फेक्शन रोकने के लिए, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में उस पर शोध कार्य करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वर्ण प्राशन अगर हर तरह की इम्यूनिटी का एक ग्लोबल वैक्सीन के रूप में आयुर्वेद इसको संचालित करता है तो इसको भी हमें शोध करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद जगत के सामने इस समय अपने तमाम द्रव्य और पदार्थों को, औषधियों को और वनस्पतियों को ये कोविड की लड़ाई में अग्रगणी भूमिका रूप में आगे आने का एक सुअवसर है, और साथ में ये सभी लोग मिल करके इस काम पे शोध करके वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए, इसके नए उन्नत प्रयोगों के लिए एक नई पहल कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा सार्थक इस समय जो विकास की गति दिखाई दे रही है, अभी तक एलोपैथी मेडिसिन की चिकित्सालय और चिकित्सक आयुर्वेद के चिकित्सकों से एक दूरी बनाए हुए थे और वो दूरी स्वयमेव कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में समाप्त हो रही है, क्योंकि आयुर्वेद जगत ये देख रहा है कि उनके जो पदार्थ हैं वो काम कारगर हैं और एलोपैथिक चिकित्सकों के पास में मरीजों के इलाज करने का अवसर है। तो ये दोनों लोग मिल करके पास आए हैं, प्रयोग तो करना ही है मरीजों के हित में, लेकिन इस पे शोध करने की अत्यंत नितांत आवश्यकता है वैज्ञानिक पद्धति से, ताकि भविष्य में हम पूरे विश्व को दिखा जा सकें कि हमारी जो ये धरोहर है आयुर्वेद की, इसका कितना सार्थक प्रयोग कोरोना में हो सकता है और अन्य बीमारियों में हो सकता है। इस अवसर को हम लोगों को साथ में मिल करके आगे काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हुए, न कि कॉम्पिटिटर के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। और इस स्वर्णिम अवसर में भारत की जो ये चिकित्सा पद्धति है, इसका प्रादुर्भाव और विश्व जगत पर इसको स्थापित करने के इस स्वर्णिम अवसर के रूप में भी मैं ये कोरोना की लड़ाई को देखता हूँ। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का जितना रेलेवेंस आज हुआ है पूरे विश्व में, विश्व पटल पे, इतना कभी नहीं था। अमेरिका में भी नींबू की गर्म चाय, हर्बल टी प्रयोग की जा रही, नींबू अदरक का गुनगुना पानी प्रयोग किया जा रहा है, मॉडर्न बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान वहाँ के इसको कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और इस पे हमें आगे सार्थक तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। पुनः मैं आयोजकों को, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को और साथ में हमारे UP स्टेट आयुष सोसाइटी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस स्वर्णिम अवसर पर हम लोग इस तरह के सार्थक विषय पर गोष्ठी करने का प्रयास किए हैं और हमें उसमें शामिल किया गया है। यह हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों।